बेस्ट लैपटॉप्स जो कि हमें 40 से 50,000 के बजट में मिलते हैं। देखो मोस्टली 40,000 से लेके 50,000 के बजट में हम अपना सबसे पहला लैपटॉप बाय करते हैं। एंड इस बजट में आपको इंटेल की 11, 12 और 13 जनरेशन के प्रोसेसर मिलते हैं और सेम राइजन की 4000, 5000 और 7000 सीरीज के। तो इन सब के कंफ्यूजन आपकी आज की इस वीडियो के अंदर खत्म होने वाली है। एंड इस वीडियो के एंड तक आपको ये चीज पक्का पता होगी कि मुझे कौन सा लैपटॉप बाय करना है, राइजन 5 5500U, 5625U, राइजन 5 7530U एंड 5600H, इंटेल की 12 जनरेशन i3 1215U, i5 1235U और 13 जनरेशन 1315U और 12 जनरेशन वाला 12 450H। ये सारे प्रोसेसर हैं जो कि आपको इस पीरियड के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से हर एक प्रोसेसर बाय करने लायक नहीं है। ओके, तो सबका कंपैरिजन करके देखते हैं कि कौन सा लैपटॉप एकदम बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। शुरुआत करते हैं असूस के लैपटॉप से, असूस क्यूबुक 15 लैपटॉप। ये लैपटॉप इस टाइम पे आप सभी के लिए वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप रहेगा, ऑलराउंडर लैपटॉप मैं इसे कह सकता हूँ। अब ये चीज चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर आप कौन से काम कर सकते हो। सबसे पहले आप कोडिंग कर सकते हो, ओकेजनल गेमिंग हो जाएगी, ऑफिस का काम हो गया, ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर इसके ऊपर इजिली चल जाते हैं। 43,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है, बट इसका जो एक्चुअल में बेस्ट प्राइस है दैट इज 41,000 रुपीज। ये आपको 41,000 के बजट में इजिली मिल जाएगा। देखो ये लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला लैपटॉप है एंड इसके अंदर आपको 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग हो जाती है, कंपनी इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स करने के बाद इसकी ड्यूरेबिलिटी एंड बिल्ड क्वालिटी को सर्टिफाई करती है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में आप थोड़ा बहुत इसे रफ टफ यूज कर सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स, अगले कई सालों तक ये लैपटॉप आपका कहीं नहीं जाने वाला। इंटेल का i3 प्रोसेसर दिया गया 1220p, 10 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला ये प्रोसेसर है। जितने भी लैपटॉप इस बजट में आपको मिलते हैं ना, 40 से लेके 42,000 के बजट में, उन सबका परफॉर्मेंस डेटा आपके सामने है। जो 1220p प्रोसेसर है, देखो वो i3 का प्रोसेसर है, 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, ओके, बट जो i5 का 1235U प्रोसेसर है ना, 12 जनरेशन वाला, उसके कंपैरिजन में भी इसकी परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बेटर मिल जाती है क्योंकि ये P सीरीज का प्रोसेसर है। और बाकी जो प्रोसेसर है 1215U, 1235U, 5625U, 5500U, इन सब के कंपैरिजन में भी इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। स्कोर्स आपके सामने आप चेक कर सकते हो। देखो लैपटॉप के अंदर आपको टोटल 8GB की रैम मिल जाती है DDR4 3200MHz वाली, बट इस टोटल 8GB की रैम में से ना 4GB रैम ऑन बोर्ड है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 12GB एंड साथ में 512GB की SSD मिल जाती है लैपटॉप में विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। ये जो लैपटॉप है वो फुल साइज डिस्प्ले वाला लैपटॉप है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले मिल जाती है आपको लैपटॉप में, 200 निट्स की ब्राइटनेस है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 45% NTSC, इंटेल की USD ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2021 आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में एंड इसका जो बैटरी बैकअप है दैट इज अराउंड 4 to 5 आवर्स। इसके जो एडिशनल फीचर्स हैं उसको चेक करें तो देखो सबसे पहले आपको प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा लैपटॉप में, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। एक्चुअल में ये लैपटॉप इस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है। i3 1220p प्रोसेसर दिया गया, गुड प्रोसेसर है इन दिस बजट, गो फॉर इट। इसका जो बेस्ट फाइलिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला भी लैपटॉप असूस का ही है, असूस क्यूबुक 15 लैपटॉप, बट ये जो लैपटॉप है इसके अंदर आपको i3 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा, 1315U। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो U, P और H ये तीनों सीरीज के प्रोसेसर आपको मिल जाते हैं इंटेल की सीरीज में। सबसे बेसिक प्रोसेसर है U सीरीज वाला जिसके ऊपर आप हैवी काम नहीं कर सकते बट उसका बैटरी बैकअप काफी बढ़िया होता है। एंड उसके बाद आ जाते हैं P सीरीज के प्रोसेसर जिसके ऊपर आप थोड़ा बहुत हैवी काम कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट H सीरीज के प्रोसेसर जिसके अंदर आपको गेमिंग प्रोसेसर दिया गया होता है। एच सीरीज के लैपटॉप टोटली डेडिकेटेड होते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम करने के लिए, उनका फोकस होता है परफॉर्मेंस पे, वो बैटरी बैकअप नहीं अच्छा आपको दे सकते। बट यू सीरीज के जो प्रोसेसर होते हैं ना वो नॉर्मल प्रोफेशनल यूजेज के लिए एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन है, बट उसके अंदर आप हैवी काम नहीं कर सकते। अभी इसका ना कंपैरिजन करके देखते हैं। देखो 1220p जो प्रोसेसर मैंने आपको बताया ना, दोनों के स्कोर्स आपके सामने, मल्टीटास्किंग उसके अंदर आपकी ज्यादा बेटर होगी, बट जो इसकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस है ना 1315U की, वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल है। वो पी सीरीज के प्रोसेसर के कंपैरिजन में भी ज्यादा बेटर स्कोर्स आपको यू सीरीज के प्रोसेसर में मिल रहे हैं 13 जनरेशन वाले में। एंड जो बाकी प्रोसेसर है लाइक 5500U, 7320U और i5 का 11 जनरेशन प्रोसेसर हो गया, i5 का जो 12 जनरेशन प्रोसेसर है ना 1235U, वो भी आप चेक कर सकते हो कि कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको i3 के 1315U प्रोसेसर में मिल जाती है। तो आपने इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर करना है। ये भी लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला लैपटॉप है एंड इसके अंदर भी आपको 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है एंड प्राइस है 46,000 रुपीज। 8GB की रैम मिल जाती है DDR4 3200MHz वाली एंड इसकी जो 8GB की रैम है ना वो ऑनबोर्ड रैम है। इसकी रैम को हम 24GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, साथ में 512GB की SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। देखो इसके अंदर आपको मिल जाती है Gen 4 SSD, बाकी सभी लैपटॉप के अंदर आपको मिल रही है Gen 3 SSD। तो इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है ना वो बहुत ही फास्ट है, कंपैरिजन आप देख सकते हो, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिलेगी। 15.6 इंचेस की फुल साइज डिस्प्ले, फुल एचडी एंटी ग्लेयर, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC एंड लैपटॉप में आपको इंटेल के USD ग्राफिक्स के साथ ही MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ अराउंड 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। लैपटॉप में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा, बैकलिट कीबोर्ड दिया गया, रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है आपको, 60% बैटरी से 49 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। तो इसे तो आपने जरूर कंसीडर करना, मेरी तरफ से आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है ये। बेस्ट फाइलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
नाउ दिस इज MSI मॉडर्न 15 लैपटॉप, 47,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। इसके अंदर भी आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। अब ये लैपटॉप है राइजन प्रोसेसर वाला, राइजन 57530U प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में, लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला। अब 40,000 से 45,000 के बजट में ना आपको राइजन के काफी प्रोसेसर मिल जाते हैं। राइजन 3 मिल जाता है 5300U, 5425U, राइजन 5 में 5500U मिल जाता है। सभी के परफॉर्मेंस आपके सामने है, किसके स्कोर ज्यादा बेटर है आप देख सकते हो। 7530U जो प्रोसेसर है ना वो इस टाइम पे टोटली वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप आपके लिए। 8GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, DDR4 3200 MHz वाली, विच इज डुअल चैनल रैम, एंड इसकी रैम को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, बट सेम लैपटॉप आपको 16GB की रैम के साथ मिल जाएगा, उसका ऑप्शन दिया गया लैपटॉप में। 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल, फुल साइज डिस्प्ले 15.6 inches की फुल HD IPS लेवल, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC, AMD Radeon ग्राफिक्स के साथ ही MS Office हमें प्री इंस्टॉल नहीं मिलता, सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ अराउंड 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप है, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में 3 level, एंड फ्रॉम 0 to 100% इसकी जो बैटरी है ना वो सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। बट अगर आपको ये चीज लग रही है ना कि राइजन का इस बजट का सबसे तगड़ा प्रोसेसर है, तो राइजन का मैंने एक और लैपटॉप कवर किया इसी वीडियो के अंदर जो कि इससे फार बेटर है। पहले आप उसे देखो, फिर उसके बाद अपना डिसीजन बनाना। अब ये लैपटॉप है सूस का VivoBook 16X लैपटॉप, बहुत ही पावरफुल लैपटॉप है। इसके अंदर आपको गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है। देखो इसे मैं पर्सनली काफी देर से यूज कर रहा हूँ एंड मुझे इसके अंदर परफॉर्मेंस के सिनेरियो में कोई दिक्कत नहीं मिली। अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है दैट इज अराउंड 50,000 रुपीज, बट ये लैपटॉप आपको 48,000 रुपीज तक इजिली मिल जाता है। प्लास्टिक बॉडी वाला लैपटॉप है, 180 डिग्री की हिंज मिल जाएगी आपको। अब एक चीज है, देखो H सीरीज का प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में, AMD Ryzen 5 5600H, 5th जनरेशन वाला, 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। सारे बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने हैं। देखो H सीरीज का प्रोसेसर है ना, इसे आप हैवी कोडिंग के लिए यूज कर सकते हो, हैवी ड्यूटी लैपटॉप है। आप में से जितने भी यूजर्स को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम करने है ना अपने लैपटॉप के ऊपर, तो वो यूजर्स इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर करो। 8GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 24GB। इसी लैपटॉप में आपको 16GB की रैम के साथ भी ऑप्शन अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब देखो एक जो नॉर्मल फुल साइज डिस्प्ले होती है ना वो होती है 15.6 inches की, बट इसके अंदर जो आपको डिस्प्ले मिल जाती है वो मिलती है 16 inches की, मतलब कि उससे भी बड़ी डिस्प्ले है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है, WXG एंटी ग्लेयर IPS लेवल, 300 nits की ब्राइटनेस, 60Hz का रिफ्रेश रेट, 45% NTSC, AMD के Radeon Vega 7 ग्राफिक्स है, MS Office 2021 आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा, 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। लैपटॉप के अंदर आपको प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, बैकलाइट चिकलेट कीबोर्ड वाला लैपटॉप है, तो आपने इसे जरूर कंसीडर करना है। वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस टाइम पे। इसका जो बेस्ट वैल्यू का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ दिस इज ऑनर मैजीबुक X14 लैपटॉप, 51,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है, बट नॉर्मली ये लैपटॉप आपको अंडर 50,000 के बजट में इजिली मिल जाता है। मेटल बॉडी वाला लैपटॉप है, i5 का प्रोसेसर दिया गया, H सीरीज वाला, 12450H, बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है। सेम प्रोसेसर आपको 60,000 के बजट वाले लैपटॉप्स में मिलता है, 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। वीडियो में हमने अब तक के जितने भी लैपटॉप देखे ना उन सब में से सबसे पावरफुल प्रोसेसर ये वाला है। बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने है, 8GB की रैम मिल जाती है आपको लैपटॉप में, LPDDR4X 4266 MHz वाली। देखो बाकी सभी लैपटॉप में आपको 3200 MHz वाली रैम मिल रही थी, बट इसके अंदर आपको 4266 MHz वाली रैम मिल रही है, तो इसकी रैम भी बढ़िया है। एंड सेम लैपटॉप आपको 16GB की रैम के ऑप्शन के साथ भी मिल जाता है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल, 14 inches की डिस्प्ले, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले लैपटॉप में, 100% sRGB, 60Hz का रिफ्रेश रेट, 300 nits की ब्राइटनेस एंड इंटेल के USD ग्राफिक्स, 5-6 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको इस लैपटॉप के अंदर इजीली मिल जाता है, 1400 ग्राम इसका वेट है सिर्फ, तो बेसिकली इट इज वेरी इजी टू कैरी। टाइप सी चार्जिंग, बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में, फिंगरप्रिंट पावर बटन मिल जाएगा आपको लैपटॉप में, एंड ये लैपटॉप रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। फ्रॉम 0 to 45% इसकी जो बैटरी है ना वो सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है, तो ये लैपटॉप आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। बट सिर्फ एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि ओनर का सर्विस सेंटर आपके आसपास जरूर होना चाहिए। लैपटॉप टोटली परफेक्ट है, बट इसकी आफ्टर सेल सर्विस में आपको थोड़े बहुत इश्यूज देखने को मिल सकते हैं अगर इसका सर्विस सेंटर आसपास नहीं है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लैपटॉप आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड है। सो या दीज आर दी बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 to 50,000 rupees। देखो ये जितने भी लैपटॉप मैंने आपको बताए ना उनमें से आप किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो, वो सभी के सभी लैपटॉप टोटली टेस्टेड है, सभी के अंदर आपको एकदम ही दी बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी एंड एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर वाले लैपटॉप है विद गुड एक्सपेंशन ऑप्शन। एंड इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज यार इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। एंड अगर आपका बजट 30,000 रुपए है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो। एंड अगर आप 60,000 के बजट में सिर्फ इंटेल के 13 जनरेशन वाले एकदम ही लेटेस्ट लैपटॉप बाय करना चाहते हो तो आप राइट वीडियो पे क्लिक करो।